बहुत स्टेडियम को कौन नहीं जानता, यहाँ पर हर एक टीम मैच खेल चुकी है और काफी बड़ा बड़ा मैच यहाँ पर होने वाला है और आने वाले समय में यहाँ पर इंटरनेशनल मैच का भी लुक लिया जाएगा। तो वो कितना लोग देख लेते हो जुड़ल नहीं है मतलब फिर भी बाइक चलाने वाले भाई वो मैच में बाधा ना डाले, अगर रिबीन बांधा हुआ है तो उस पर गाड़ी चढ़ा के ना ले जाए वरना आपको पेनाल्टी लग दिया जाएगा। तो कृपया करके सर्किट के आउटसाइड से आप होकर जाए, खेल में बाधा ना डाले, जब तक ये खेल चल रहा है 6 दिन 7 दिन का और खेल का टाइम रह गया है तो उस बीच खेल का आनंद ले, खेल में कोई बाधा ना डाले। स्ट्राइकर बॉलर ने और स्ट्राइकर बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन, मैं दोनों कप्तान से गुजारिश करूंगा कि अपने एक्स्ट्रा प्लेयर भेजें। गोलू आप सभी को सरप्राइज खान सिंह में स्वागत है, बैटिंग करने आए हैं तो खोलू आए अपना टीम की जोनैया है पल्लू और सैफ लेकर और स्ट्राइकर जो बल्लेबाज है हमारे अंपायर बताएंगे उनका नाम। ए लाइन से रहो सर्कल कहां पर देखिए सर्कल। हां भाई सैफ प्राज खान है, चला दम से सैफ नॉन स्ट्राइक पर सैफ और स्ट्राइक पर जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो अपनी टीम का कमान संभालने के लिए आए हुए हैं, दोनों सलामी बल्लेबाज जो आ चुके हैं और पहली गेंद हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से निकलेगी। गेंदबाज तैयार है पैर थन्नू को पार करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन, अगली गेंद को खेला जरूर है इस मिड विकेट के दिशा में और सारी के साथ जब तक पहली गेंद पर खाता खोला इन्होंने इसी के साथ अपना टीम का खाता खोला और खुद का खाता खोला और खुद पहुंच गए एक के व्यक्तिगत स्कोर पे और अपनी टीम को पहुंचा दिया। एक रन पर एक पहला शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। बथुआ बाजार गोपालगंज में मैच हो रहा है भाई, हो चुके हैं शानदार मैच, मैच स्टार्ट हो गया। 16 ओवर का मुकाबला सिवान बनाम गोपालगंज के बीच में 2024 का लीग मुकाबले का तीसरा मुकाबला जो बाबा भूताप स्टेडियम पर खेला जा रहा है। तो सीधा गोपालगंज ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और क्या उनका गेंदबाज उस नियम पर खड़े उतरेंगे ये देखने के काबिल होगा। अगली गेंद उसको उड़ा के मारा है हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, क्या शानदार बल्लेबाजी, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया इन्होंने और सीधे गेंद को भेज दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। प्ले लिस्ट अभी तक लिखा है नहीं था इसलिए नहीं दिया गया, अब प्ले लिस्ट मिला है तो अभी तो लाइव चला रहे हैं। जोरदार अपील जरूर हुई है उस अपील में उत्साह ज्यादा था विश्वास मांगता है दोनों पैरों इसको नकारा। हाँ भाई बैटिंग वाले टीम में है गेंदबाज तैयार हमसे दूर चलेंगे रॉय के नंबर पर विकेट करेंगे थोड़ा सा देखा परखा और जाने दिया सीधे बाकी काम पूरा किया खुद विकेट कीपर ने तो अभी भी स्कोर रुका हुआ है 5 के व्यक्तिगत स्कोर पे बिना किसी नुकसान के सीमांत का काफी शानदार अपना रिलेवन बथुआ बाजार गोपालगंज में हो रहा है मैच भाई गोपालगंज अंशु मिश्रा जो दो बहुत बड़ा नाम है और ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं और दारो मदार है उनके कप्तान का। गेंदबाज सबसे दूर चलेंगे अगली गेंद पिच के बाहर गेंद थोड़ी सी उछाल ले तो हल्का हाथों से खेला जरूर है स्क्वायर लेके जानी शॉट स्क्वायर लेके जानी दोनों खिलाड़ी पर आसानी के साथ दौड़कर एक रन पूरा किया इसी क्रम के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के। तो मैं बता दूं कि एसीसी क्रिकेट क्लब के द्वारा इस बाबा भूतनाथ स्टेडियम पर हर साल की भांति इस साल भी टूर्नामेंट कराया जा रहा है, हालांकि इस टूर्नामेंट में काफी थोड़ा विलंब जरूर हुआ था मगर विलंब ही सही मैच को स्टार्ट जरूर किया गया और 2024 का सीजन 11 का ये तीसरा मुकाबला जो कि अभी तक 2 मुकाबले हुए हैं जो टीमें पहले टॉस जीत कर गेंदबाजी की है वह उसका हार को सामना करना पड़ा है। अगली गेंद लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए इसका फील किया है उसका ऊपर उठा के लेना जरूरी है इसके नीचे खिलाड़ी है और आसान से कैच जिसे कैच ड्रॉप होता हुआ पल्लू का छोड़ो कैच हारो मैच पहला कैच सलामी बल्लेबाज का और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ये आपको एक आसान सा लड्डू सा कैच था इसको आपने गंवा दिया
अगर आप ऐसा कैच गवाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और खास करके सलामी बल्लेबाज और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज पल्लू जैसे बैट्समैन का आपने जीरो पर सॉरी एक रन के स्कोर पर आपने इनको जीवन दान दिया है। ये जीवन दान आपको बहुत बड़ा महंगा पड़ सकता है आने वाले। ये तो नहीं पता है बिट्टू तिवारी के कम है। बल्लेबाज है, थोड़ा सा अगर निगाह जमा लिया तो फिर ये बदला जरूर लेगा। स्ट्राइक पर अगर सैफ है तो बल्ला हवा में लहराए, यकीन तौर पर सैफ है जिनके बल्ले से शानदार एक चौका निकला था। और पहली ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो गया है 6 रन बिना किसी नुकसान के। अभी अभी एक खाता खुलने वाला था विकेट का, मगर आसान सा कैच को गवा दिया इस थर्ड मैन के खिलाड़ी ने। गेंदबाज ने मनजीत दूसरा ओवर गोपालगंज की तरफ से मनजीत लेकर आए हुए हैं। हालांकि पहला असफल ओवर बन जाता अगर वो कैच को तब्दील कर देते तो, मगर वो कैच आसान सा कैच कोई रिक्शी वाला कैच नहीं था, एक आसान सा लड्डू जैसा कैच था, वो छोटा बच्चा भी पकड़ लेता उसको। मगर अब क्या कर सकते हैं, अगली गेंद फिर से उसको बल्ला चलाया है मिड विकेट के जाने, जब तक दोनों खिलाड़ी दौड़ करके फील्डर उसको फील्ड करके थ्रो करेगा आसानी के साथ दौड़कर। एक रन पूरा किया, इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के। काफी शानदार टीम, दोनों टीम बहुत मजबूत टीम है, दोनों टीमों में खिलाड़ी काफी कसे हुए खिलाड़ी मौजूद है, यानी कि ये जो मैच है काफी शानदार मुकाबला है। और दो बहुत बड़ा नाम सरफराज बाहुबली और अंशु मिश्रा जो कि अदनान 11 शिवान की तरफ से खेल जा रहे हैं, काफी बड़ा नाम, काफी शानदार नाम, और कौन नहीं जानता इनको। ये वही सरफराज बाहुबली है जो जहां भी जा रहे अपना जलवा बिखेर दे रहे हैं, कभी 10 गेंदों में 50 रन, कभी 10 गेंदों में 40 रन। गेंदबाज तैयार मंजीत खाते दूसरे, अगली गेंद बल्लू के लिए, खेला जरूर था रन लेने की गुंजाइश थी, मगर साथी खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक खिलाड़ी ने उसको मना किया कि खतरा मोल लेना सही नहीं है, अभी अभी आपका कैच छूटा है। और इस बार हां भाई बैटिंग वाले टीम में सरफराज बाहुबली, तो अभी भी कोई रन नहीं और 7 रन बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले 5 ओवर का जो पावर प्ले रखा गया इसमें दो खिलाड़ी सर्किट के बाहर रहेंगे। गेंदबाज साले हमसे दूर, अगली गेंद बिना देखे समझे उसको बल्ला चलाए जरूर था, मगर हाथों को लहरा हमारे खन्नू आलम ने और इसको काफी ज्यादा ऑफिसी के बाहर देखा और वाइट करा दिया। इस वाइट के साथ स्कोर में इजाफा 8 रन बिना किसी नुकसान के। काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, हालांकि बिना देखे बल्लू ने बल्ला चलाया था। थोड़ी सी सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा उनको, क्योंकि अभी आने वाले जो पावर प्ले के ओवर है बहुत पड़े हुए। गेंदबाज तैयार बल्लू के लिए, फिर से बल्ला चलाया है मगर बल्ले पर पूरी तरीके से आई नहीं और लॉन्ग ऑन के जारी खिलाड़ी ने उसको फील किया और आसानी के साथ थोड़ो किया और दोनों खिलाड़ी ने इस बीच दौड़ कर एक रन पूरा किया, इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। बोल्ड आउट हो गए साहब। भाई प्लेइंग 11 मिला ही नहीं था, लेट से हुआ था इसकी वजह से, टीम लेट से आई थी तो प्ले लिस्ट अभी नहीं लिखाया था, तब आते आते मैच चालू हो गया। बैटिंग करने आ रहे हैं फहीम,
हाँ हाँ भैया फेम उतरे आए हैं बैटिंग करने। और चार रन फर्स्ट आते ही चार रन अपना खाता खोले हैं फहीम। तो मजीद ने दिलाया अपनी टीम को पहला सफलता। और हाँ भाई साहब बल्लेबाज सरफराज हैं, सैफ जवाब फोकर पवेलियन के बाहर जा चुके हैं। क्या शानदार गेंदबाजी हुई है मजीद की तरफ से और अभी भी इनका दूसरा ओवर पावर प्ले का जिसमें एक विकेट गवाई अदनान 11 सिवन की टीम ने। और गेंदबाज तैयार हमसे दूर चले फहीम के लिए, हल्के हाथों से स्क्वायर लेके जाने खेला है। रन लेना चाहते थे मगर साथी खिलाड़ी बल्लू ने उसको मना किया कि खतरा हो सकता है। उसी तरीके से दूसरा ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 13 रन 1 विकेट के महत्वपूर्ण नुकसान पे। अभी आने वाले जो प्लेयर है अभी सरफराज बाहुबली जिनका बेसब्री से हाँ भाई सरफराज खान है कि मैंने नाम सुना जरूर है मगर उनका खेल देखा नहीं और आज आप बखूबी तौर पे उनका खेल देखेंगे मगर सरफराज बाहुबली इस टाइम नहीं आते हैं। उनको कप्तान रोक कर जरूर रखे, उनको उसी वक्त भेजेंगे जब उनसे उम्मीदें होगी सिर्फ और छक्के और चौके की। अभी उम्मीद है एक साझेदारी की और साझेदारी निभाना जरूरी है अगर आप एक लंबा स्कोर बोर्ड चलाना चाहते हैं तो। भैया इस बाबा भूत स्टेडियम पर अगर आप विकेट को बचा के रखते हैं तो रन अपने आप बनने जाएंगे क्योंकि ये सपाट पीछे खुला मैदान जरूर है। गेंदबाज तैयार, नए गेंदबाज आए, गेंदबाज ने शायद ये अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। 07 नंबर की जर्सी वाले गेंदबाज भोलू, भोलू तैयार उनके सामने आवे स्ट्राइकर बल्लेबाज जो सलामी जोड़ी के रूप में आए थे मल्लू। गोपालगंज में हो रहा है भाई पथुआ बाजार पे। गेंदों में मात्र 3 रन के बल्ले से निकला है, पावर प्ले में कम से कम कुछ रन बनाना जरूरी है स्टेडियम पर। बल्लू तैयार, अगली गेंद बल्ला जरूर चलाया है फॉरमैन की दिशा में, जब तक खिलाड़ी उसको फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे कोई रन लेने का मौका नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 13 रन, तीसरा ओवर यानी कि काफी कसी हुई गेंदबाजी हो रही है गोपालगंज की तरफ से। कोई मौका नहीं दे रहे खिलाड़ी को पावर प्ले में, हालांकि सिर्फ 2 खिलाड़ी पावर प्ले के बाहर है, एक लॉन्ग ऑन पे है सॉरी एक लॉन्ग ऑफ पे है और एक खिलाड़ी जो है उसको मिड विकेट की दिशा में लगा कर रखा है। अगली गेंद गेंदबाज तैयार, तीसरा ओवर पावर प्ले का 16 ओवर का मुकाबला जिसमें 5 ओवर का पावर प्ले का जो मुकाबला रखा गया है जिसमें 2 खिलाड़ी सर्किल के बाहर रहेंगे और बाकी सारे खिलाड़ी सर्किल के अंदर रहेंगे। काफी लाजवाब काफी शानदार जबरदस्त मुकाबला इस बाबा भूत स्टेडियम पर। गेंदबाज 51,000 है भाई, फर्स्ट मैच है, थर्ड लीग मैच है, तीसरा लीग मैच है। खिलाड़ी के सर के ऊपर से छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब गियर लगा बैटिंग वाले टीम में है क्योंकि इनको मालूम है परवेज भैया कम से कम स्कोर बोर्ड पर 180 और 190 रन सिवान के टीम में है सरफराज खान। इनमें भी काफी भरे हुए भरकम खिलाड़ी मौजूद हैं जो काफी शानदार प्रदर्शन करते हैं और अभी तक आपने 2 मैचों का आंखों देखा हाल जरूर देखा होगा कि 170 और 180 यूं ही बना दे रही है टीम यहां पर। 07 नंबर की जर्सी वाले भोलू तैयार, बल्लू को गेंद करेंगे अगली गेंद, काफी शानदार गेंद गिरने के बाद सीधी गई सीधे ब्लॉक होल में डाला गेंद को और खिलाड़ी को पूरी तरीके से निस्तो नाबूद किया मजबूर किया वहीं पर दबा फर देने के लिए। और अभी भी स्कोर 23 रन, क्या शानदार बैक टू बैक एक चौका और एक छक्का लगाया जरूर था भोलू ने मगर उसके बाद क्या शानदार गेंदबाजी कमबैक किया यहां पर भोलू ने, शानदार बेहतरीन प्रदर्शन अपने टीम की तरफ से। अभी जिस तरीके से इनके एडी पर गेंद लगी हुई है और हमारे डॉक्टर जाएं और उनको देखें और ट्रीटमेंट करें और अगर वो खेलने लायक है तो खेलाएं और नहीं खेलने लायक तो उनके जगह पर दूसरा खिलाड़ी लाएं और पानी का व्यवस्था किया जाए, ड्रिंक स्टॉली मैदान पर लेकर जाया जाए। एसोसिएशन से गुजारिश है, वॉलंटियर से गुजारिश है कि पानी का डब्बा है लेके जाए उनको, खिलाड़ियों को पानी पिलाएं। इस बीच में बता दूं कि एसीसी क्रिकेट क्लब के द्वारा इस मैच को कराया जा रहा है हर साल की भांति, इस साल भी टूर्नामेंट को कराया, पिछले साल जो टूर्नामेंट हुआ था जिसमें
फुलवरिया की टीम जो थी वो फाइनल का मुकाबला जो बहुत बड़ा मुकाबला था उसको विन करके यहाँ से गई हुई थी, जो कि कल का मुकाबला में उन्होंने शानदार जीत किया है और सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है इसी बाबा फोर्टर स्टेडियम पर। और आज का जो मुकाबला बहुत बड़ी टीम दोनों टीमें और बहुत बड़ा नाम इसमें अंशु मिश्रा और सरफराज बाहुबली जसामीर है इस दोनों टीमों के बीच काफी शानदार मुकाबला होने वाला है, काफी जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए विलंब जरूर हुआ था, खिलाड़ी तैयार और तब तक ड्रिंक्स टोली मैदान पर पहुंचा दी गई है। ड्रिंक्स टोली खत्म होने के बाद फिर से आगाज किया जाएगा और फिर से वही गेंद और वही खिलाड़ी चालू करेगा अपने खेल को। मैं बता दूं कि इस बाबा भूलनाथ स्टेडियम पर टोटल 8 मैच होगा, 51,000 है भाई विनिंग प्राइस। 2 मैच खेले जा चुके हैं, तीसरा मुकाबला गोपालगंज बना मैदान 11 सिवान के बीच खेला जा रहा है, जिसमें गोपालगंज की टीम ने पहले टॉस को जीता जरूर और गेंदबाजी करने का फैसला किया और अभी तक वो फैसला सही साबित हुआ है गेंदबाजों की तरफ से। एक विकेट भी चटका है और रन की जो गति है उसको काफी संभाल के रखा है दोनों गेंदबाजों ने। फिर से तैयार, सारे खिलाड़ी तैयार, बैट्समैन तैयार और हमारे एम्पायर भी तैयार। 07 नंबर की जर्सी खोलू जिनका ये दूसरा स्पेयर, बथुआ गोपालगंज में मैच हो रहा है भाई। 07 नंबर की जर्सी वाले गेंदबाज सबसे दूर चले, पक्की हुई गेंद उसको सारा सारा जरूर चल के पूरी तरीके से खेल दिया और जोरदार अपील और अपील का सिस्टम से टकराई है और सीधे हमारे पैर में उंगली को हवा में लहराया और ऑफ करा दिया। इस तरीके से सलामी बल्लेबाज के रूप में जो आए हुए थे बल्लू आउट होकर सीधे पवेलियन में दाखिल हुए। इस बीच सलामी जोड़ी जो आई हुई थी दोनों जोड़ी वापस पवेलियन में जा चुकी है। अब देखा जाए इमरान सॉरी इरफान जो कप्तान है अदनान 11 का किस प्लेयर को भेजते हैं इस तीसरे विकेट के लिए। एक और आपको मैं हाँ भाई बैटिंग वाले टीम में है सरफराज खान, बैटिंग करने नहीं आया है भाई, बैटिंग करने आ रहे हैं शुभम। तो इसी के साथ यहाँ पे दूसरा शुभम लेफ्टी सिवान 11 टीम का अदनान 11 जिनमें टॉस उड़ाया गया था, जिसके सिक्का पाले में गिरी थी गोपालगंज के टीम ने टॉस जीती थी और फील्डिंग की यानी गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। यानी इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो 2 लीग मुकाबला हो चुका है, जो टीम ने पहले टॉस जीती है और बाद में बल्लेबाजी की है उसे हार मिली है और देखते हैं इस समय आने वाले समय में सामने आपका रिजमान होंगे बैट्समैन नेम अपना नाम बताएंगे। शुभम बाएं हाथ के बल्लेबाज नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए हैं और उनके दूसरा विकेट गिरा तो सामने चलेंगे बॉलो बॉल करेंगे और इस खेल को बेहतरीन गेंदबाजी काफी बेहतरीन और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ और 3 ओवर के प्रगति पे हमारे स्कोर बताएंगे कितना रन हुआ। 16 ओवर का हो रहा है ना, 3 ओवर की समाप्ति पर अदनान 11 सिवान का स्कोर होगा 23 रन 2 विकेट के पश्चात पर। यानी हर साल 16 ओवर हो रहा है भाई, 16 ओवर वर्ष 2005 ओवर बाहर प्ले है। टूर्नामेंट का आगाज हुआ है, तीसरा लीग मुकाबला है जो बड़ा नाम इस टूर्नामेंट का दर्शकों पेशर भी से इंतजार कर रहे थे। जो टेनिस गेंद पर जिस खिलाड़ी का नाम है सरफराज बाहुबली, जिन्होंने जिला स्तर पे काफी नाम कमाए हैं, बॉलर ने मंजीत जिन्होंने अपने पहले ओवर में एक विकेट जरूर दिलाई थी, जो बाएं हाथ के बल्लेबाज जिन्होंने काफी बेहतरीन शुरुआत दिलाई जरूर थी लेकिन उन खिलाड़ी को चोट लगे और चोटी के रूप में उसे वापस जाना पड़ा आउट होकर। सामने होंगे मंजीत और इस गेंद को लंबा हो करना चाहते थे भाई, वाइड करा दिया हमारे एम्पायर ने और इसी के साथ 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ और इसी के अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अदनान 11 सिवान टीम का 24 रन सॉरी वाइड नहीं है। तो कृपया आप अपना डिसीजन सोच समझ कर दे। आप सामने होंगे मंजीत के सामने होंगे फाइव बॉल करेंगे फाइव ने गेंद को उड़ा दिए लॉन्ग ऑन के ऊपर, हमारे एम्पायर का फैसले का इंतजार आना बाकी है और एक गेंद गई बाउंड्री के बाहर 6 रन। यानी जिस प्रकार से बल्लेबाजी का रुख अख्तियार किए हैं अदनान 11 सिवान की टीम ने 2 विकेट गंवाई जरूर है क्योंकि 4th ओवर के प्रगति पर इस टूर्नामेंट का 5 ओवर का पावर प्ले रखा गया है। यानी अदनान 11 टीम के टारगेट होगा कि 5 ओवर में जितना भी रन बनाना होगी बना सके।
सामने होंगे मंजीत, सामने फाइन बॉल करेंगे स्किल पर और काफी बेहतरीन गेंदबाजी, काफी स्विंग है, बल्ले पर नहीं आए और सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अभी भी स्कोर रुका हुआ। जिस खिलाड़ी की बात कर रहे थे सरफराज बाहुबली, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्तर बल्लेबाज है, जिन्होंने हाल ही फिलहाल जो टूर्नामेंट का आगाज हुआ था डीएसटी पहरवा बाजार में, जिनके टीम ने फाइनल गवाई जरूर थी वहां पर, आज उन खिलाड़ी को बाबा भूतनाथ कॉलेज पर सरजमी पर जरूर मौका मिला है। इरफान इलेवन की टीम यानी अदनान इलेवन ने उसे मौका दिया है। सामने चले गए मंजीत और फहीम ने बेहतरीन गेंद को डिफेंस किए हैं मिड विकेट के एरिया में। खिलाड़ी ने संतुष्ट करेंगे, एक रन से नहीं रोक पाएंगे और एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ हमारे स्कोरर बताएंगे। और एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तीसरा और चौथा ओवर के प्रगति पर दो विकेट गंवा चुकी है अदनान शिवान इलेवन अदनान। तो सरफराज बाहुबली नंबर चार पर बल्लेबाजी करते थे लेकिन आज इरफान ने उन्हें रोक के रखे क्योंकि मालूम है उन्हें पावर प्ले में दो विकेट गंवा चुकी है उनकी टीम। शायद इसीलिए सरफराज बाहुबली अंशु मिश्रा को रोक के रखे हैं। देखते हैं कितने नंबर पर आजमाते हैं। सामने चलेंगे, बॉलिंग करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज, काफी बेहतरीन गेंद। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ और चार ओवर की गेंदबाजी समाप्त हुई यानी छह गेंद बाकी है। अंतिम पावर प्ले लास्ट ओवर पावर प्ले का रखा गया है। देखते हैं छह गेंदों में कितने रन बिटोर सकती है यहाँ पे अदनान इलेवन सिवान की टीम ने। तो बाकी दर्शकों से मैं, जो दर्शकों लेट से आए हैं उसको मैं बता रहा हूँ कि टॉस सिक्का उड़ाया गया था, जो सिक्का गोपालगंज के पाले में गिरी थी उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और अदनान इलेवन को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था ग्राउंड पर, जिन्होंने शुरुआत में दो विकेट झटके गंवाए हैं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है और सामने होंगे खोल जो काफी बेहतरीन गेंदबाज, जो स्ट्राइकर बॉलर के रूप में आए थे। सरफराज बाहुबली का आगमन बड़ा बाकी है, कुछ ही क्षणों में आपके सामने विराजमान होंगे आने वाले समय में। और बॉल करेंगे, फाइव ने गेंद को उड़ा दिए हैं स्क्वायर के एरिया में और बेहतरीन सिक्स और इसी के साथ बेहतरीन प्रहार किए हैं अदनान इलेवन सिवान के खिलाड़ी ने। फाइव नो लुक शॉट बहुत अच्छे लगाते हैं, आपको देखने का जरूर मिलेगा नो लुक शॉट। जिन्होंने अच्छे गेंदबाज हो तो टाइमिंग के साथ शॉट ले रहे हैं। सामने चलेंगे और स्पेस के घुमा दिए वही एरिया, एम्पायर का फैसले का इंतजार आना बाकी है छह रनों के लिए यानी बैक टू बैक बाउंड्री। फहीम के बल्ला से बैक टू बैक बाउंड्री, जिस प्रकार से अगर क्रिकेट इतिहास में कहा गया है छोड़ो कैच हारो मैच पकड़ो कैच जीतो मैच, जिस तरह एक कैच टपकाई थी यहाँ पर गोपालगंज के खिलाड़ी ने, वो खिलाड़ी एक छक्के जरूर लगाए थे लेकिन उसका कामयाबी नहीं कर पाए, वो पवेलियन गए थे। लेकिन जिस प्रकार से फहीम ने बल्लेबाजी आतिशीबाजी की है क्योंकि उसे मालूम है आने वाले बल्लेबाज अंशु मिश्रा सरफराज बाहुबली जैसे दिग्गज अभी उनके पास बल्लेबाज है तो खुल के खेलेंगे और गेंद को उड़ा दिए छह रन के लिए यानी हैट्रिक छक्का। लगातार तीन गेंद पर तीन छक्का लगा के खेल रहे हैं, उनकी टाइमिंग है फहीम के बल्लेबाज। तो हमारे स्कोर बताएंगे फहीम कितनी गेंदों में कितने रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और कितने गगनचुंबी छक्के लगाए हैं। ऊपर फेंकिए बोलू भाई, तो फहीम ने 29 रन बनने पर बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं जिनमें चार छक्के और खेले हुए थे। चार रन इंतजार बाकी चार रनों के लिए, काफी बेहतरीन प्रहार तीन गेंदों में तीन बाउंड्री और चौथी गेंद में भी स्क्वायर के एरिया में चौका यानी 22 रन बना चुके हैं। तो सबसे महंगे साबित हो गए भोलू गोपालगंज टीम की तरफ से, काफी महंगे साबित। तो जिस प्रकार से पावर प्ले का मुकाबला पांच ओवर की पावर प्ले रखी गई है, सामने हो गए फहीम और बेहतरीन गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से छह रन। तो जिस प्रकार से बल्लेबाज काफी आक्रामक मोड पूरा रवैया अख्तियार कर चुके हैं अन्यथा प्रत्येक गेंद को छक्का मारा जाएगा क्योंकि चार छक्का इस ओवर में पांच बॉल फेंके जिसमें तीन लगातार छक्का एक चौका और एक फिर से छक्का पांचवा गेंद पे। सरफराज बाहुबली का कमबैक आना बाकी है जिस प्रकार से बेहतरीन गेंद और हमारे एम्पायर व्हाइट करा दिए हैं और इस व्हाइट के साथ स्कोर में इजाफा हुआ और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन दो विकेट के पश्चात पर और
और पावर प्ले का आखिरी ओवर सामने चलेंगे बोलो बोलो के सामने होंगे फाइव और इस गेंद काफी बेहतरीन एम्पायर का फैसला और ये भी वाइड करा दिए है काफी दिशाई गेंद काफी लाइन से भटके अपना क्योंकि जिस गेंदबाज के अगर आप एक ओवर में यानी बैक टू बैक हैट्रिक छक्का और चौथी गेंद पर बाउंड्री पड़ी हो तो उस गेंदबाज को लाइन लेंथ बिगड़ चुकी है यानी अगर कोई भी बल्लेबाज हो अगर गेंदबाज को उन्होंने प्रहार करेंगे तो आने वाले गेंदबाज भी प्रेशर में जा सकते हैं क्योंकि अन्यथा जो स्ट्राइकर बॉलर को अगर मार सकते हैं तो किसी भी गेंदबाज को मार सकते हैं फाइव क्योंकि फाइव ने जिस तरह से प्रहार किए हैं इस टूर्नामेंट में तो इस अपील जरूर हुआ है हमारे नूरू भाई का फैसला का इंतजार आना बाकी है क्योंकि कुछ ही क्षणों में आपके सामने और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ काफी बेहतरीन इस अपील में उत्साह ज्यादा और विश्वास कम बाकी का तो जिस प्रकार से पांच ओवर की गेंदबाजी समाप्त हुई है हमारे स्कोरर बताएंगे पांच ओवर की गेंदबाजी में कितने रन बना चुकी है अदनान इलेवन शिवा तो पांच ओवर की समाप्ति पर 61 रन बनाई है और दो विकेट गंवाई जा चुकी है यानी 66 गेंद शेष और देखते हैं गोपालगंज के गेंदबाज कितने ओवर की गेंदबाजी में सरफराज बाहुबली की टीम को सैफ और पल्लू आउट हुए हैं भाई अभी तक दो विकेट गिरा है सैफ और पल्लू के रूप में हमारे एम्पायर धनु भाई का सामने डिसीजन नए गेंदबाज अपना नाम बताएंगे विकास विकास काफी बेहतरीन गेंदबाज काफी लंबा और काफी पतले कट्टे पांच ओवर के समाप्ति पर दो विकेट 66 रन बहुत हार नजर आ रही है शिवान जिस तरह इनके लंबाई की अगर अपना आका जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज मिचेल स्ट्राइक से कमबैक किया जाएगा विकास को जो नंबर 93 नंबर जर्सी में है यानी यहां पे जो ओपनिंग मैच हुआ था जिसमें विकास नाम के गेंदबाज ने सफलता दिलाई जरूर थी लेकिन काफी महंगे साबित हुए थे अपने लीग मुकाबले में तो देखते हैं क्या विकास आज वो विकास वही नजर आ रहे हैं या अपने कुछ गेंदबाजी में फाइव जिन्होंने चार छक्के लगा चुके हैं बाबा भूतनाथ ग्राउंड पर एसीसी अलबर्टपुर क्रिकेट क्लब सॉरी हमारे स्कोर बता रहे हैं कि फहीम ने पांच छक्के उड़ाए हैं तो जिस प्रकार से फहीम के पल्ला से निकलता हुआ पांच छक्का और दो चौका लगा के बल्लेबाजी यानी बाउंड्री से 38 रन बना चुके हैं तो गेंदबाज हमारे स्कोर बताएंगे फहीम कितने गेंदों में कितने रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सरफराज बाहुबली का आगमन जरूर हुआ है सारे दर्शकों बेसर्भी से इंतजार करते थे क्योंकि सरफराज बाहुबली का नाम सिर्फ सुना गया था इस गेंद को धकेले जरूर है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी ने गेंद को फील किया एक रन से नहीं रोक पाएंगे गोपालगंज के खिलाड़ी और एक रन के साथ छोर बदले और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन दो विकेट सॉरी 62 रन दो विकेट के पश्चात पर और नए बैट्समैन बाएं हाथ के बल्लेबाज शुभ कल जिस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो कल का जो मुकाबला हुआ था 2-8 यानी 186 रनों का टारगेट मिला था जादवपुर टीम ने 177 रन बनाई जरूर थी जो मैच अपने गवाई थी क्योंकि 6 गेंदों में 32 रन का टारगेट मिला था जिनमें 9 रन से मैच गवाई थी और सामने चलेंगे विकास बाएं हाथ के बल्लेबाज शुभम के लिए और शुभम ने इस गेंद को लंबा फेंकना चाहते थे आउट हो गए शुभम वापस जाना होगा और विकेट नंबर 3 यानी तो चल मैं आई की प्रक्रिया बना दी है यहाँ पे अदनान इलेवन शिवान की टीम ने कुछ ही क्षणों में नंबर नहीं भाई बाहुबली नहीं आया बैटिंग करने बाहुबली का आगमन होता है लेकिन उस खिलाड़ी को कैप्टन रोक के रखते हैं बैटिंग करने आ रहे हैं अंशु मिश्रा बल्लेबाजी अपनाई जाएगी सरफराज बाहुबली को क्योंकि दर्शकों बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और उनका विकेट नंबर 3 गिरा सरफराज बाहुबली का अभी भी क्रीज पर आना बाकी है बल्लेबाज ने अपना नाम बताएंगे अन्यथा कोई नाम नहीं इसे प्रचार किया जाएगा बल्ला अपना नाम बताए अंशु मिश्रा काफी बेहतरीन बल्लेबाज जिस खिलाड़ी का मैंने नाम बता रहे थे आपको जो फरविशगंज अररिया करी मधुबनी यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल से मैच खेला करते हैं जिनका प्रॉपर टीम की अगर बात की जाएगी तो मधुबनी और फरविशगंज अररिया टीम से बिलोंग करते हैं शायद आज इसको आमंत्रित किया गया है यहाँ पर शिवान अदनान इलेवन की टीम में और देखते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज जो ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे यहाँ पर
अंशु मिश्रा के सामने होंगे विकास, दौड़ लगाएंगे, बॉल करेंगे। अंशु मिश्रा ने इस गेंद को डिफेंस किए हैं पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, अपना छोर बदले और इसी के साथ खाता खोलता हुआ और अभी भी इसको रुका हुआ शिवान अपनाने लगा है। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन, बहुत बड़ा आराम अंशु मिश्रा, बाएं हाथ के बल्लेबाज, काफी बेहतरीन गेंदबाज जो ऑलराउंडर है, जो सरफराज बाहुबली के क्लोज, सरफराज बाहुबली के फ्रेंड, काफी एक साथ मुकाबला में जहां सरफराज बाहुबली का आगमन होता है उस ग्राउंड में भी अंशु मिश्रा का भी उनके साथ में वहां पर विराजमान मौका मिलता है। तो आज इस समय दोनों खिलाड़ी जरूर मौकों सामने होंगे, विकास, विकास के सामने होंगे फहीम, फहीम ने गेंद को लंबा हुक करना चाहते थे, बैट कहीं और बॉल कहीं और यहां पर फहीम जिस तरह से आप बल्लेबाज किए हैं शायद आपको रोक कर टिक कर बल्लेबाजी करनी होगी, सूझबूझ के बल्लेबाजी करनी होगी अगर अपनी टीम को बड़ा एक टारगेट स्कोर बनाना है, लक्ष्य बनाना होगा मैच में, तो सूझबूझ के बल्लेबाजी करनी होगी, अच्छी गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना होगा और बेहतरीन गेंद, क्या गजब की टाइमिंग, ब्लॉक होल में गेंद डाली गई थी विकास की, विकास ने जिस गेंद को गजब की आउट ऑफ स्विंग बॉल कराई थी यहां पर, तो काफी बड़ा मुकाबला, बड़ा नाम आने वाले समय में, यानी जिस प्रकार से रन बनाए जा रहे हैं तो हमारे स्कोर बताएंगे कितना रन हुआ है अभी 63 पर 3 विकेट, बेहतरीन समय, क्या गजब की बात, और यहां पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को डिफेंस किया, एक रन से नहीं रोक सकेंगे और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 6 ओवर की गेंदबाजी समाप्त, 64 रन, 7 विकेट शेष, यानी 60 गेंदों का मैच बाकी, लगभग रन यहां पर बनने वाली है आज तीसरा लीग मुकाबला में 180 क्रॉस बनेगी, ये लगभग मेरा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि अभी 10 ओवर की गेंदबाजी बाकी है, 7 विकेट शेष है और फहीम ने काफी आक्रामक रूप आजमा चुके हैं, पिच पर उनकी आंख नजरें जम चुकी है, आने वाले बैट्समैन सरफराज बाहुबली है, बॉलर नेम नाम बताएंगे अपना, वाटसन, शेन वाटसन, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से चल के बालीपुर सरजमी पर इस टूर्नामेंट में बहुत बड़ा बड़ा नाम है, शेन वाटसन जो ऑलराउंडर है जिनकी बल्लेबाजी में काफी धार है, जिस प्रकार से वाटसन की अगर से मुनि के नजर में इस वाटसन को देखा जा रहा है जो नरेश बाहुबली है अभी, तो फहीम जो जिस प्रकार से बल्लेबाजी किए हैं आज के मुकाबला में, क्योंकि उनको सूझबूझ के बल्लेबाजी करनी होगी, सरफराज बाहुबली बथुआ बाजार पे गोपालगंज में मैच हो रहा है भाई, इस ग्राउंड पर 5 ओवर की बल्लेबाजी अगर करते हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने सेंचुरी बना सकते हैं बालीपुर सरजमी पर, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे साथी कमेंटेटर बता रहे थे 10 गेंदों में 50 40 45 जिस तरह से गेंद आई है, खिलाड़ी मजबूत और बेहतरीन विकास के द्वारा शेन वाटसन ने दिलाई है सफलता, पहली गेंद पर बड़ा विकेट, बड़ा नाम, आउट होने वाले खिलाड़ी फहीम काफी निराश होंगे, जरूर निराश जरूर होंगे, विकेट नंबर 4 सरफराज बाहुबली का आगमन हो रहा है, हल्के हल्के कदमों से आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज बाहुबली, बड़ा नाम, बड़ा पहचान, अब सरफराज खान आ रहे हैं भाई बैटिंग करने, जितने लोग लाइव में जुड़े हैं भाई एक एक शेयर कर दीजिए भाई, जितने लोग जुड़े एक एक शेयर कर दीजिए, आउट होने के बाद वो वापस आ चुके हैं मैदान के बीचों बीच, बाबा भूतनाथ की सरजमी सबसे पहले इनका स्वागत करती है और जोरदार तालियों से सारे दर्शक इनका स्वागत किए हैं, काफी शानदार जबरदस्त बेहतरीन बल्लेबाज बाबा भूतनाथ स्टेडियम पर विराजमान हो चुके हैं, बल्ला इनके हाथ में, सामने गेंदबाज वाटसन, अच्छे कदकाठी के वाटसन, जिमर बॉय 45 नंबर की जर्सी में गेंदबाज, हमने दूसरे सरफराज के लिए खेला इसके स्क्वायर लेके जारी, अंशु मिश्रा रन लेना चाहते थे मगर मना किया सरफराज, क्योंकि उनको मालूम है कि हमी वो दो बल्लेबाज हैं जिनको देखने के लिए कम से कम 40 से 50 हजार के तादाद में दर्शक यहाँ मौजूद है, तो कहते हैं सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता,
अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर पर, कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। सरफराज बाहुबली हल्के हाथों से खेला जरूर था, गति नहीं थी गेंद में, वरना जरूर जो है खुद फॉलो थ्रू में गेंद को कैच करते वाटसन, मगर कोई उम्मीद नहीं। और अभी भी मैच रुका हुआ और काफी बेसब्री से इंतजार और छक्के और चौकों की, मगर सरफराज बाहुबली उनको पता है कि अदनान इलेवन सिवान की जो टीम है इनकी उम्मीद हम सिर्फ दो बैट्समैन अंशु मिश्रा और सरफराज बाहुबली पर है। तो ये जब तक यहाँ पर खेलेंगे रनों की जो गति चाहे धीमी हो या कुछ भी हो या बाद में जरूर स्पीड पकड़ेगी। गेंदबाज तैयार, हम तो दूर चलेंगे कमेंट्री बॉक्स के सामने। सरफराज खेला है, रन लेने जाते हैं, आनाकानी हुई और इस बार थोड़ी सी गलती जरूर हुई थी, मगर आए वक्त पर अंशु मिश्रा ने उनको वापस भेजा। काफी ज्यादा आनाकानी हो रही है दोनों खिलाड़ियों के बीच और ये होनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारी उम्मीद लगा के बैठी है दर्शक सरफराज बाहुबली से। एक समय सांसें अटक गई थी हल्क के अंदर आके, मगर वापस भेजा अंशु मिश्रा ने उनको क्योंकि कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि अभी अभी विकेट गिरा है और हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि स्कोर हो चुका है 64 रन 4 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। सरफराज बाहुबली जहां भी हमारी आवाज जा रही है अगर किसी के कानों तक पहुंच रही है और नहीं भी पहुंच रही है वो भी विराजमान हो जाए। सरफराज बाहुबली जो क्रिज पर उतर चुके हैं अगली गेंद वाटसन की सरफराज के लिए, हल्के हाथों से खेला धकेला उसको लॉन्ग ऑफ के जाने और आसानी के साथ चहल कदमी करते हुए एक रन में तब्दील किया। इस एक रन के साथ सरफराज बाहुबली का हुआ खाता खुला और आसानी के साथ स्कोर पहुंच गया 65 रन 4 विकेट के महत्वपूर्ण नुकसान के। क्योंकि कहते हैं ना समुद्र शांत हो तो कोई भी नाव चला सकता है, असली मजा तो तब है जब तूफानों में कश्ती चलाने में मजा आएगा। तो सरफराज बाहुबली काफी शानदार और काफी ज्यादा उम्मीद इनके कप्तान को और सारे दर्शकों को क्योंकि अदनान इलेवन सिवान की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे सरफराज बाहुबली, क्या उम्मीद है और क्या उस उम्मीद पर खड़े उतरेंगे सरफराज ये देखने के काबिल होगा। अगली गेंद अंशु मिश्रा के लिए उसको कट किया है और हमारे अंपायर का फैसला व्हाइट और व्हाइट के साथ अतिरिक्त के रूप में एक रन और इजाफा हुआ और स्कोर बोर्ड चलता हुआ 66 रन 4 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। अभी अभी आउट होकर पवेलियन में जाने वाले जो खिलाड़ी थे फहीम, जिन्होंने काफी शानदार बल्लेबाजी किया जिनके बल्ले से 4 लगातार छक्के निकले थे और क्या शानदार प्रदर्शन करके एक इकलौता बल्लेबाज जो अभी तक अदनान इलेवन सिवान की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी करके वापस गए हैं। तैयार उसे पुल किया है, मिड विकेट उसको आने के पीछे पीछे उसे पीछे खिलाड़ी जरूर लग गया गेंद चार रन यकीन तौर पे शायद वो गेंद को पकड़ लिए है और हमारे अंपायर का इशारा शायद गेंद उनके नीचे से निकल गई है क्योंकि काफी धुंधला हुआ था, डस्ट काफी ज्यादा है वहां पे, धूल काफी ज्यादा है उसकी वजह से खिलाड़ी को दिखाई नहीं दिया और हमारे को भी दिखाई नहीं दिया। आसानी के साथ चौके के साथ तब्दील और स्कोर बोर्ड में इजाफा 4 रन और टोटल स्कोर हुआ 70 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बाबा भूतनाथ स्टेडियम काफी बड़ा नाम सफाई भाई तनवीर नहीं है, खुले मैदान के बीचों बीच दो आमने सामने टीम, दोनों मजबूत टीम और एक तरफा खिलाड़ी जो है सरफराज बाहुबली और अंशु मिश्रा जो अभी मैदान के बीचों बीच दोनों जोड़ी यहाँ पर सलामत है और ये कहां तक लेके जाएंगे अपनी टीम की नैया को आपके सामने होगा। अब बॉलिंग करने आए हैं मंजीत, मंजीत जिनका ये शायद तीसरा ओवर इस खेल का इनका जारी रखा कप्तान गोपाल गोसे कप्तान ने, जिन एक काफी सफल गेंदबाज रहे पावरफुल के अंदर। गेंदबाज मंजीत चले हमसे दूर सरफराज के लिए, अगली गेंद देखा परखा जाने दिया, दर्शक आपस में बातचीत जरूर कर रहे हैं कि सरफराज बाहुबली उस लय में नजर नहीं आ रहे जिस लय में ये YouTube पर और Facebook पर खेलते हुए नजर आते हैं। उसका रीजन ये है कि उनका 4 विकेट जो काफी जल्दी गिर चुका है और वो कुछ देर अभी आंखें जमाएंगे, बाद में तो उनके पास काबिलियत इतनी ना है कि किसी भी गेंदबाज को थजिया उड़ा सकता है। देखो आप का काफी ज्यादा सटीक गेंदबाजी, गुड गेंद की गेंदबाजी, थोड़ा सा जाने बार दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, अभी स्कोर रुका हुआ 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफी ज्यादा ओवर अभी पड़ा हुआ है, ये 7वां ओवर है, 7 ओवर कंप्लीट हो चुका है, 8वां ओवर यानी कि अभी आधा ओवर पड़ा हुआ है और सरफराज बाहुबली के पास अभी काफी लंबा समय है। गेंदबाज सरफराज के लिए अगली गेंद, फिर से वही गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई और उसको देखा परखा जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, अभी भी कोई रन लेने का मौका नहीं। कहते हैं हर बात जुआ से हम इशारा नहीं करते, आसमान पर चलने वाले जमीन से गुजारा नहीं करते, हर हालात बदलने की हिम्मत है हम में, वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते। सरफराज बाहुबली की तरफ से ये था और काफी शानदार नाम, अगली गेंद उसको लुट गए और ये देखिए आज तक का स्टेडियम का सबसे लंबा 210 मीटर
अब सरफराज बाहुबली को एक खीली गेंद देकर इनका बल्ले का फेस जरूर खोले हैं और दर्शक अब जाके थोड़ी सी आंख मिली जुली किया है कि शानदार बल्लेबाज अब इनका बल्ला खुला है, अब कुछ देखने को मिलेगा, अब आएगा मजा खेल में जब मनजीत जाएंगे जेल में। शानदार छक्का, 2024 का सीजन का सबसे लंबा छक्का सरफराज बाहुबली के नाम। इस बल्लेबाज को अगर जो भी खिलाड़ी आउट करता है वो एक समझ लीजिए कि मैन ऑफ द मैच के बराबर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा बल्लेबाज। और दूसरा गेंद दिया जाए एम्पायर को, शानदार बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी, 3 लगातार गेंद और काफी सटीक गेंद किया था, उसको देखा परखा छोड़ दिया था और थोड़ी सी गेंद ढीली मिली, उसको सीधा मिड विकेट और स्क्वायर लेके सर्किल के ऊपर से दे मारा 6 रनों के लिए। मंजीत फिर से सरफराज के लिए अगली गेंद, एक और शानदार शॉट, यह है सरफराज बाहुबली, बहुत लंबा, कॉलेज पर सीधे गेंद गया है। यह जिम्मेदार खिलाड़ी है जिसके बल्ले से अगर 6 गेंदों पे अगर 6 छक्के, नहीं भाई अभी तो किसी चैनल से यहाँ नहीं चल रहा है मैच, क्योंकि इसके अंदर वो काबिलियत है, वो रुतबा है इस खिलाड़ी के अंदर। और आपके सामने बैक टू बैक शानदार 2 छक्का और अब खुल गया है शानदार। यहाँ पे एक भी मैच लाइव नहीं चला है, आज आए थे तो चला दिए थे लाइव। मजी तैयार सरफराज के लिए ये गेंद, हल्के हाथों से खेला जरूर इसको, लेकिन सीधा धकेल दिया है, उसके पीछे खिलाड़ी जरूर है, गेम को जब तक वो फील करेगा थ्रो करेगा, हमारे एम्पायर का इशारा लेग बाय के रूप में मिलेगा। 1 रन 1 रन के साथ स्कोर से स्कोर तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद, और सरफराज बाहुबली पहुंच गए हैं इस 2 छक्के के साथ 14 के निजी स्कोर पर। काफी शानदार बेहतरीन नजारा और बेहतरीन गेम दोनों तरफ से, गेंदबाजों को भी सराहना किया जाएगा क्योंकि काफी शानदार जिस तरीके का बथुआ बाजार गोपालगंज में मैच हो रहा है, उनके बल्ले को अभी तक खामोश जरूर किया है, ये उस लेवल के बल्लेबाज हैं कि जहां भी उतरते हैं रनों की बारिश कर देते हैं। नहीं तनवीर भाई नहीं है, कल तो देखिए बनियापुर में लाइव चल रहा है, शायद कोई लाइव वाले चला रहे हैं, देखिए जाएंगे तो जरूर चला रहे हैं, पहले ही बता देंगे। व्हाट्सएप तैयार, सामने दूसरे एम्पायर हैं अब धन्नू आलम और उनके सामने है सरफराज बाहुबली, जिनका नाम कौन नहीं जानता, छोटे बच्चे भाई भूतनाथ कॉलेज को हो रहा है, होगा नाम सरफराज बाहुबली क्योंकि है इनका बहुत बथुआ बाजार भूतनाथ कॉलेज पे हो रहा है, अपनी जिम्मेदारी गोपालगंज और अपने कंधों पर सारा जिम्मेदारी लेकर और अपनी टीम की नैया को कहां तक लेके जाएंगे, ये बाबा भूतनाथ स्टेडियम के सामने होगा। अगली गेंद के लिए थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, थर्ड मैन दिशा की जरूर गई है वहां पर, मगर साथी खिलाड़ी अंशु मिश्रा रन लेना चाहते थे मगर सरफराज बाहुबली पर कोई असर नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अभी खतरा नहीं ले सकते और इक्का दुक्का से कुछ होने वाला नहीं है, कि इक्का दुक्का खिलाड़ी वो है जो आराम से खेलते हैं और इनको आराम से खेलना नहीं आता सरफराज बाहुबली को। क्या बोले किसान भैया टीम में हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से एम्पायर धन्नु आलम को पार कर गए, सरफराज बाहुबली की अगली गेंद काफी शानदार गेंद, सीधी रहती गेंद, हल्के हाथों से उसको मिड विकेट के जाने खेला, धकेल भर दिया आसानी के साथ, चहल पहल करते हुए 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। और हमारे दर्शक हमारे कमेंट्री बॉक्स में एक दर्शक ऐसे आए हैं जिनको पता नहीं क्या परेशानी है, वो कह रहे हैं कि बाहुबली को जो भी बल्लेबाज गेंदबाज आउट करेगा उसको 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अरे रह जाओ, ये देखिए पुरस्कार की झड़ी और 501 रुपए हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, ये देखिए जमा हो गया है, मगर इसमें भी एक रीजन है, कैश आउट नहीं बोल्ड आउट करना पड़ेगा। गेंदबाज वाटसन तैयार, अंशु मिश्रा के लिए शानदार बल्लेबाजी, विकेट कीपर के दस्तानों में गई, कोई खतरा नहीं और अभी भी स्कोर रुका हुआ 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हमारे एम्पायर का कोई इशारा, मैदान पे जाएं एम्पायर के पास और देखिए एम्पायर क्या बोल रहे हैं। मैं बता दूं कि 501 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा जो गेंदबाज सरफराज बाहुबली को विकेट आउट करेगा उसको। काफी शानदार मैच अलगदपुर क्रिकेट क्लब के द्वारा कराया जा रहा है 2024 के सीजन का बाबा भूतनाथ स्टेडियम का, यह 3रा लीग मुकाबला
जिसमें गोपालगंज बनाम अदनान इलेवन सिवान के बीच मैच खेला जा रहा है। अदनान इलेवन सिवान जो बल्लेबाजी कर रही है और गोपालगंज जो गेंदबाजी कर रही है, उनके टॉस कप्तान ने पहले टॉस को जीता और आमंत्रित किया उनको पहले बल्लेबाजी करने का, और उस बल्लेबाजी पर कई थोड़ा हद तक देखा जाए तो काफी कामयाब है दोनों बल्लेबाजी। गेंद को उड़ा के मारा है सीधा हमारे स्टेट के जानी, और मैं हर बार बताता हूँ आपको ये सेफ जोन है, और इधर जो भी खिलाड़ी चौका या छक्का मारेगा वो थोड़ा हद तक वो सेफ रहेगा, क्योंकि इधर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं रहता है छक रक्षक के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन 4 विकेट के नुकसान पर नवा ओवर जारी है गोपालगंज की तरफ से, और नवा ओवर लेकर जारी है वाटसन जीमर बॉय जो काफी शानदार कप्तानी अच्छा खासा मेहनत करके बॉडी बनाए हैं और 45 नंबर की जर्सी पर अभी गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। बहुत गेंद गलत गेंद था और 6 रन और इस छक्के के साथ विशेष स्कोर बढ़ता हुआ 94 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मैं बताना था ये वो दो बल्लेबाज हैं जो 10 खिलाड़ियों के बराबर है और उसी अंदाज में दोनों बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। अंशु मिश्रा बनाम सरफराज बाहुबली नॉन स्ट्राइक पर जो खड़े हैं, अगर ये दोनों बल्लेबाज 16 ओवर तक खेलते हैं तो 250 रनों का आंकड़ा आसानी के साथ ये पूरा कर पाएंगे। अगली गेंद काफी शानदार गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी चीनी रही और आसानी के साथ उसको बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने, और कोई रन लेने का मौका नहीं। और इसी बीच 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 89 रन सॉरी भाई लाइव में जितने लोग जुड़े हैं एक एक शेयर कर दीजिए और 94 रन जाके YouTube पर सब्सक्राइब कर ले सरफराज खान 6 के स्कोर पर 94 रन पहुंचा दिया था। एक एक शेयर कर दीजिए भाई लोग, एक एक शेयर कर दीजिए और भाई सरफराज खान बैटिंग कर रहे हैं, 2 छक्का लगाया कभी बैटिंग कर रहे हैं, मुकाबले में भाग ले रहे हैं अंशु मिश्रा सरफराज बाहुबली। और एक और पुरस्कार खन्नो वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील सेमिया रोड मथुरा बाजार की तरफ से, अगर सरफराज बाहुबली जितने छक्के लगाते हैं हर छक्के पे उनको 101 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ठन्नू जो एल्युमिनियम गेट ग्रिल स्टेनलेस स्टील ग्लास जिस तरीके का डिजाइन के पास बनाना है, घर का कोई भी रेलिंग हो आप इनसे जाएं बनवाएं, पीवीसी पैनल का डिजाइन बनवाएं, और काफी शानदार काम काफी शानदार वर्कर ये रखे हुए हैं। अगली गेंद अपीचिए बाहर गए और लीजिए 6 रन एक छक्का पर 100 रुपया का पुरस्कार है सरफराज खान का, और सरफराज खान को कोई बोल्ड मारेगा तो 500 रुपया का पुरस्कार है। यह शानदार बल्लेबाजी जबरदस्त बल्लेबाजी सरफराज बाहुबली की तरफ से, और इसी की उम्मीद थी हर खिलाड़ी को और हर दर्शक को। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद सरफराज बाहुबली, एम्पायर कुछ इशारा कर रहे हैं उनका बातों को सुने, एसोसिएशन से गुजारिश है फुलेंटिया से गुजारिश है उनकी बातों को सुने और एम्पायर की तरफ अपनी निगाहें जमा कर रखें, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उनको सुने, आप अपने धुन में ना रहे एम्पायर का धुन सुने। शानदार बल्लेबाजी सरफराज बाहुबली, अगर जो भी दर्शक मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो अपने और जो भी साथी हैं दर्शक हैं उनको बुलाएं, क्योंकि आंधी तूफान आ चुका है इस बाबा भूतनाथ स्टेडियम पर, रनों की बरसात हो रही है और वो खिलाड़ी सरफराज बाहुबली जिनके बल्ले से रन निकल रहा है इस बाबा भूतनाथ स्टेडियम पर, अभी अभी उन्होंने शानदार छक्का लगाया था 250 मीटर का लंबा छक्का जो आज तक इस बाबा भूतनाथ स्टेडियम पर किसी ने नहीं लगाया, वो कारनामा कर रहे सरफराज बाहुबली। लड्डू
गेंदबाज तैयार, सरफराज बाहुबली के ऑफिस के काफी ज्यादा बाहर गए। देखा प्रकार चतुराई भरी खिलाड़ी, चतुराई भरी यहाँ पर प्रयास और उसी प्रयास में कामयाब हो रहे बार बार सरफराज बाहुबली। थोड़ी सी दिशाहीन गेंद और अच्छा कट लगा रहे, अच्छा फुल शॉट खेल रहे, अच्छा उछाल लगा के बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस पर काफी दिशाहीन गेंद थी, पायरेट्स को व्हाइट करार दिया था। अभी भी स्कोर रुका हुआ और अगली गेंद फिर से गेंद लेने के बाद गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई और बाकी का काम पूरा किया पीछे के विकेट कीपर जो कैप लगाकर विकेट कीपिंग कर रहे और अभी तक शानदार विकेट कीपिंग का मुजाहिरा किया अपने गोपालगंज की टीम की तरफ से, शानदार कीपिंग का मुजाहिरा और शानदार विकास। 93 नंबर की जर्सी, हमसे दूर चलेंगे, वाइट नंबर विकेट करेंगे, पार थन्नू को पार करेंगे, सरफराज के लिए अगली गेंद ऑफिस के बाहर गया मगर उतना ही शानदार शॉट खेला जाता है हर कवर के जारी। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील करेगा थ्रो करेगा, आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर आपको। तो काफी बेहतरीन टूर्नामेंट इस समय, हां भाई नेटवर्क बहुत इशू है, थोड़ा नेटवर्क इशू है, जियो तो साफ ही नहीं चल रहा है, एयरटेल ऐसे ही चल रहा है, 4G 5G पकड़ ही नहीं रहा, गेंदबाजी बाकी है, शायद ये दोनों खिलाड़ी अगर खेल जाए इसीलिए डायरेक्ट चलाया जा रहा है फेसबुक से, थोड़ा नेटवर्क इशू भी रहे तो चल जाएगा। जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ है काफी बेहतरीन, काफी रोचक मुकाबला, बहुत दूर दराज से आए हुए दर्शकों से जिन्होंने सरफराज बाहुबली का बेसर्वी से इंतजार किया था, क्या गजब की बैकअप, लॉ ऑफ के खिलाड़ी ने गजब की बैकअप किए हैं और एक रन जहां चार रन होना चाहिए वहां पे तीन रन बचाए और एक रन से संतुष्ट करेंगे अंशु मिश्रा। इसी रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 103 रन, चार विकेट के पश्चात सामने दौड़ लगाएंगे, बॉल करेंगे सरफराज बाहुबली के लिए। बाहुबली ने गेंद को लंबा हुक करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं और यहां पे एक ही रन से संतुष्ट करेंगे और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 104, यानी कि टूर्नामेंट भाई बथुआ बाजार गोपालगंज में हो रहा है मैच, क्रिकेट में बाबा भूतनाथ कॉलेज बथुआ बाजार से 100 कदम बाएं बगल और गेंदबाजी जुड़ी है और क्या उनको चेस करना होगा, शायद इसी अनुमान से टॉस जीती थी और गेंदबाजी छुड़ी थी, ये देखते हैं आने वाले समय में वक्त बताएगा। यानी दो मुकाबला हुआ और दोनों मुकाबले में जो टीम ने टॉस जीती है मैच गंवाई है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। सामने आपके अंशु मिश्रा ने इस गेंद को बेहतरीन प्रहार मिड विकेट के एरिया में और चार रन के लिए और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 10 ओवर की गेंदबाजी समाप्त हुई है और 4 विकेट के पश्चात पर 10 ओवर में 108 रन बनाई है अदनान इलेवन शिवार की टीम ने, यानी 36 गेंदों से और यहां पर 6 ओवर का गेंदबाजी बची है और सामने दो धुरंधर सामने है, एक अंशु मिश्रा और एक सरफराज बाहुबली बड़ा नाम। और ACC अलगटपुर क्रिकेट क्लब के तरफ से ये जो टूर्नामेंट का आगाज हुआ है वर्ष 2024 के, यानी ट्रीम टोली मैदान में जा रही है और यहाँ पे सरफराज बाहुबली और अंशु मिश्रा जो दो बड़े नाम, यानी अगर इन दोनों बल्लेबाज को बड़ा सम्मानजनक स्कोर बनानी होगी तो सूझबूझ के बल्लेबाजी करनी होगी और एक बड़ा टारगेट देना होगा, अगर इस मुकाबला को जीतना होगा तो बड़ा सम्मानजनक अच्छा स्कोर बनाए ताकि फाइटिंग मुकाबला किया जाए। यानी कल का जो मुकाबला हुआ था, जो काफी रोचक मुकाबला हुआ था जिनमें 9 रनों से मैच फुलवरिया जीती थी, जिनकी सांसें थम गई थी उसके बाद में, जिस प्रकार से कल का जो मुकाबला हुआ था काफी रोचक मुकाबला हुआ था, कल का मुकाबला काफी करीबी मैच, तो देखते हैं आज का मुकाबला क्या उस तरफ होगा या नहीं, आने वाला वक्त में आपके सामने देखा जाएगा। और सामने है व्हाट शॉट जिन्होंने
अदनान इलेवन के तरफ से जो काफी सेट बल्लेबाज थे फहीम, जिन्होंने 19 गेंदों का सामना किया और 43 रन बनाए थे यानी 43, जिनमें 5 छक्के और 2 चौका लगाए थे। 19 गेंदों में 43 रन बनाकर जिनका शिकार वाटसन ने कराई थी, विकास के हाथों कैच आउट कराए थे लॉन्ग ऑन की पोजीशन में, तो अभी भी 108 रन बनाए है। 10 ओवर की गेंद समाप्त यानी 36 गेंद, तो देखते हैं क्या दो लीग मुकाबला फर्स्ट उद्घाटन मुकाबला में तुफाइल 11 शिवान की टीम ने 196 रन बनाई थी, 196 8 विकेट के पश्चात पर गवाई थी, और सेकंड मुकाबला में फुलवरिया 185 रन बनाई थी, 8 विकेट गवाई थी। तो देखते हैं आज सामने हैं सरफराज बाहुबली, उनके सामने होंगे वाटसन, जिन्होंने काफी बेहतरीन चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अगर बड़ा लक्ष्य बनानी होगी तो सरफराज बाहुबली अंशु मिश्रा को 16 ओवर तक बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि अगर मैच में बनना होगा तो निश्चित रूप से 16 ओवर गेंदबाजी यानी बल्लेबाजी करनी होगी इन दोनों खिलाड़ी को, क्योंकि अंशु मिश्रा के पास वो काबिलियत है, वो कला है, गेंदबाज है। सरफराज बाहुबली ने गेंद को उड़ा दिए हैं मिड विकेट के एरिया में, एम्पायर के 4 रनों के लिए काफी बेहतरीन प्रहार, मिड विकेट की गेंद ताले चौका लगाए और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 112 रन, और इस चौका के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 112 रन 4 विकेट के पश्चात पर। और यानी आपके पास जो प्राइज रखा गया है धनो एलुमिनियम, जिसके तरफ से 4 रन था भाई, 4 रन था इनाम राशि बनाना है, तो कृपया करके अच्छा से बल्लेबाजी करें, क्योंकि मैच है अपना गेम खेले बेहतरीन उसके फील्डर आउट हो गए सरफराज खान, बेहतरीन पल्ले को गेंदाई दी, दर्शकों ने जितना उम्मीद लगाए थे सरफराज बाहुबली से उस प्रकार उन्होंने उसको यहाँ पर मनोरंजन कराए रहे, और इस गेंद को काफी लंबा हुक यात्रा करना चाहते थे, लेकिन गेंद हवाई काफी ऊंचाई पर थी, बल्ले पर अच्छी तरह से आई नहीं थी, और एक गेंद सीधे मिड विकेट के जाले में खिलाड़ी ने कैच किया और इसी के साथ उसे वापस जाना होगा। और विकेट नंबर 5वां यानी 5 विकेट के पश्चात पर स्कोर 100, अब बैटिंग करने आ रहे हैं जैनुल और अतुल्स बिल्डिंग कॉन्ट्रेक्शन कंपनी ऑनर इम्तियाज अली, बैट्समैन नेम अपना नाम बताएंगे, बैट्समैन नेम अपना नाम बताएंगे, जैनुल, जैनुल बड़ा नाम, जो जैनुल काफी बेहतरीन गेंदबाज है, इन्होंने सा अभी जैनुल काफी बड़ा नाम है, और वाटसन की जितना तारीफ की जाएगी उतना ही कम होगा, क्योंकि वाटसन ने उस गेंद को खुराक बनाए हैं, उस बल्लेबाज का शिकार बनाए हैं जिन्होंने गोपालगंज की गेंद पर काफी हावी हुए थे, सरफराज बाहुबली फहीम जैसे बल्लेबाज को आउट कराए हैं। सामने होंगे जैनुल, बॉलिंग करेंगे वाटसन, और काफी डिशाइन के फाइट कराती है हमारे एम्पायर, और जैनुल जो काफी नाम है उनका, क्योंकि गेंदबाज है काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं जो स्पिन गेंदबाज करते हैं, हमारे साथी अंशु मिश्रा है अभी की तरफ से A2Z बिल्डिंग कॉन्ट्रेक्शन कंपनी ऑनर इजने अली, जिसको एक अच्छा और मजबूत बनाना हो, नो बॉल भी था, कॉन्टेक्ट करें, नो बॉल, और 6 रनों के लिए यानी 9 गेंदों पर छक्का मारे हैं, और हमारे एम्पायर का फैसला का इंतजार 6 रन, फ्री हिट है, और बॉल करेंगे जैनुल, जैनुल के सामने वाटसन, और ये गेंद को हिला दिए शॉट देखिए 6 रन बहुत लंबा जाएगी, और 6 रन के लिए इस छक्के के साथ स्कोर में बढ़ोतरी,
126 रन। जैनुल भाई है जो बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छे करते हैं, जितने जगह देखे हैं बैटिंग भी अच्छा करते हैं, बॉलिंग तो मैंने करते ही है। 11वां ओवर रनिंग पर है, यानी अभी भी आपको मैच में बनना होगा तो 180 प्लस बनानी होगी अगर आपको मैच में बनना होगा तो, क्योंकि ये मुकाबला और इस समय एक छोर बदले पॉइंट की जाली में खेले थे, एक रन से संतुष्ट करेंगे और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 127 पांच विकेट के पश्चात पर। गेंदबाज वाटसन जो काफी बेहतरीन गेंदबाज कर रहे हैं, जिन्होंने सरफराज बाहुबली जैसे बल्लेबाज को यहां पर चलता किए हैं, शायद निश्चित रूप से अगर यहां सरफराज बाहुबली पांच ओवर यानी बाकी की जो ओवर थी अगर शायद बल्लेबाजी करते तो निश्चित रूप से एक बड़ा लक्ष्य बन सकता था, दर्शकों को छक्के चौके में तकदीप जरूर कर सकते थे। और अंशु मिश्रा चुके काफी बेहतरीन, आगे की गोल बहुत बढ़िया, बना समारोह से अंदर हैंगो हाथों से मार दूंगा ये। तो अंशु मिश्रा बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, शायद उनको धारो मदार उन्हीं के ऊपर होगी क्योंकि उनके पांच विकेट गिर चुके हैं। सामने है अंशु मिश्रा भाई, सरफराज भाई तीन छक्का और एक चौका लगाए थे, एक रन से नहीं रोक सकेंगे गोपालगंज के खिलाड़ी और इसी रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 128 पांच विकेट के पश्चात पर। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ, यानी 11 ओवर की गेंदबाजी समाप्त हो चुकी है। 11 ओवर की गेंदबाजी में अदनान 11 शिवान की टीम ने 128 रन बनाई है और 5 विकेट गंवाई है। तो देखते हैं अदनान 11 टीम को कहां तक पार लगा पाती है। ये दोनों बल्लेबाज आने वाले समय में आपके सामने देखो हाल जाएगा कुछ ही छड़ों में। तो गेंदबाज होंगे विकास जिन्होंने कैच काफी बेहतरीन लटके थे, जिन्होंने जबरदस्त कैच पकड़े थे लॉन्ग ऑन टाइम में। बोलू भाई बाएं हाथ के बल्लेबाज अभी भी इसको रुका हुआ है यहाँ अदनान 11 शिवाय की टीम को, क्योंकि भाड़ा सरफराज बाहुबली से जीरो ने उम्मीद भाई चार तीन छक्का एक चौका लगाए थे सरफराज बाहुबली ने, प्रत्येक खेल को छक्का मारना चाहते थे क्योंकि उनके पास ओवर काफी पड़ा था, काफी प्रेशर में आ गए थे सरफराज बाहुबली क्योंकि दर्शकों का दिल जीतना चाहते थे। उन्होंने समझे थे हर गेंद को छक्का चौका में तब्दील करें ताकि सारे दर्शकों से उन्होंने मनोरंजन दिलाया जाए, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। शायद सरफराज बाहुबली अगर रोक के सुधबुझ के बल्लेबाजी किए होते तो निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ पर अच्छा एक सम्मानजनक स्कोर बनाते और अपने लिए भी एक 50 रन चढ़ सकते थे इस ग्राउंड पर, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए और उन्हें वापस जाना होगा और इसी के साथ 5 विकेट गंवा चुकी है। तो अभी भी इसको रुका हुआ है, बॉल करेंगे विकास जैनुल के लिए, बॉल करेंगे विकास जैनुल गेंद को और बेहतरीन और सीधे फील्डर के हाथ में इंतजार और ये आउट भी हो गया जैनुल। विकेट नंबर छह दो चल मैं आई की प्रक्रिया बना दी है अतराल इलेवन शिवान की टीम, यानी कि जैनुल से जो उम्मीद लगाए गए थे वहां पे वो कर नहीं पाए। हाँ भाई बैटिंग करने आ रहे हैं गुड्डू, यहाँ के लोकल है, कुछ ही दूर 4-5 किलोमीटर के अंदर में इनका घर है। दबंग डीजे जो अभी आप डीजे दिल दहला देने वाला डीजे का आवाज सुन रहे हैं, जिसके प्रोवाइडर है अरमान और आसिफ जो की दोनों भाई हैं, इनसे मिले और शादियों में फंक्शन में जिस तरीके का आपको डीजे बजाना है इनसे कॉन्टेक्ट करें और इनका डीजे ले जाए धुन में डांस करें और मस्ती करें। उसके बाद आए आपका बाबा बॉम्बे गार्मेंट्स मथुरा बाजार जाना पहचाना नाम, दूर दूर तक फेमस बॉम्बे गार्मेंट्स, प्रोप्राइटर इसके सुहेल, रिटेल एंड होलसेल के लिए इनसे संपर्क करें।
जिस भी भाई को सज्जन को एक अच्छे क्वालिटी का कपड़ा चाहिए, जींस टी शर्ट शॉर्ट पैंट चड्डी बनियान जो भी चाहिए यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा आपको। उसके बाद ए टू जेड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग जो कि आपके बथुआ बाजार में ओपन हो चुका है, जिसके प्रोप्राइटर है इजरायली, जिसके अंदर आपको बिल्डिंग की हर एक चीज, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, इंटीरियर डिजाइनर, फ्लोर सेलिंग और घर बनाने से लेकर जिस तरीके का आपको काम करवाना है आप हमसे मिल सकते हैं। उसके बाद अमरपाली रेस्टोरेंट जो कि बहुत बड़ा रेस्टोरेंट आपके बथुआ बाजार, जैसे कि आप बड़े बड़े सिटियों में देखते हैं उस तरीके से अमरपाली रेस्टोरेंट खुल चुका है। आप उसके अंदर जाए और आनंद ले हर एक भोजनालय का। नए बैट्समैन है बल्लेबाज ने गुड्डू ठीक है, दम से विकास वेल बॉल करके देखेंगे, क्योंकि शानदार गेंदबाजी, जिस तरीके से गेंदबाजी हुई गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रही और पूरी तरीके से बल्लेबाज चुका है और बाकी काम विकेट कीपर जरूर पूरा किया है, मगर दोनों एम्पायर अभी आपस में बातचीत करते हुए और खिलाड़ी एम्पायर से बातचीत करते हुए, क्योंकि काफी शानदार बल्लेबाजी हो रही है अभी गेंदबाजों की तरफ से, काफी शानदार गेंदबाजी और काफी तरीके से पूरी तरीके से चुके वहां पर बल्लेबाज और क्या डिसाइड होता है, क्योंकि अपील में उत्साह कम और विश्वास थोड़ी सी ज्यादा जरूर लग रही है और पूरे विश्वास के साथ आपस में बातचीत करते हैं एम्पायर और दोनों खिलाड़ी। और इसी बीच में आपको बता दूं फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, जब तक खेल रुका हुआ है एसीसी अलगदपुर क्रिकेट क्लब बथुआ बाजार 2024 सीजन का ये 11वां सीजन, जिसका ये तीसरा मुकाबला, जिसमें भाग लाने वाले जो भी हैं जिनके तरफ से मदद किया जा रहा है, हीराबाद इसमें नहीं दिखता है, मॉडर्न फैशन बाजार, वंडरलैंड किड्स गार्डन स्कूल, कैरियर कोचिंग गाइड, बॉम्बे गार्मेंट्स, खान फुटवेयर, ए टू जेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, ए वन कलेक्शन, नालंदा एकेडमी, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, न्यू एसएस पब्लिक स्कूल, आरती हॉस्पिटल, निजाम हॉस्पिटल, सुखा एक्सप्रेस, एमएससी इंटरप्राइजेस, लेडीज पॉइंट, हम सफर बस सर्विस सेवा। अगर बस के साथ दिल्ली जाना है आपको तो आए बथुआ बाजार में टिकट कटाए और यहीं से बस में बैठकर दिल्ली का सफर तय करें। नहीं होता है तो इतने बड़े नामों के साथ इस टूर्नामेंट को कराया जा रहा है जो कि 2024 सीजन 11 का हुआ। और मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि जिस भाई को गर्मियों के सीजन में एक अच्छी ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक पीना है, अच्छी ब्रांड का आपको हर तरीके की वैरायटी का वहां पर आपको मिलेगा कोल्ड ड्रिंक्स, यूसुफ जनरल स्टोर, यूसुफ जनरल स्टोर जो बथुआ बाजार में जिसके पास हर एक ब्रांड का आपको कोल्ड ड्रिंक्स एक आप बिस्लेरी का पिए थे और एक आप किले का पिए थे और अभी वहां पर एक काफी अजूबा पानी आने वाला जो कि विराट कोहली पिया करते हैं, तो वो भी वैरायटी आपके बथुआ बाजार में। बिट्टू यादव नहीं है क्योंकि उद्घाटन दिन अभी आपको मैं बताऊंगा नहीं, शायद की शायद 2 या 3 दिन में उसका उद्घाटन है। यूसुफ जनरल स्टोर बथुआ बाजार में गेंदबाज तैयार, हमसे दूर चलेंगे, राउंड द विकेट करेंगे इस बार लेफ्ट हैंड बैट्समैन को। अगली गेंद दिशाहीन गेंद लगे स्टिकर बाहर गेंद, हल्के हाथों से खेला जरूर चाहते थे मगर बल्ले का और बॉल का कोई संपर्क नहीं और वाइट करार दिया हमारे अंपायर ने। स्कोर में बता दूं, काफी देर से मैं आपको स्कोर बताया नहीं हूं, 130 रन, 12वां ओवर चालू है, यानी कि इसके बाद भी 4 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा और एक अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं क्योंकि सरफराज बाहुबली के जैसे जो नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी है सेम उनसे हूबहू मिलता जुलता अंशु मिश्रा भी बल्लेबाजी पर निर्भर है और नॉन स्ट्राइकर है, उनसे काफी उम्मीद है, काफी शानदार फील्डिंग, जोरदार थ्रो, मगर थ्रो काफी लेट और आसानी के साथ तब तक खिलाड़ी पहुंचकर एक रन पूरा किया। इसी रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 131 रन 5 विकेट के नुकसान पर 12वां ओवर चालू है, आने वाले इसके बाद 4 ओवर और रह जाएंगे और 4 ओवर में अंशु मिश्रा जो कि हूबहू सरफराज बाहुबली के जैसे खेलते हैं, क्या उनके बल्लों से रन निकलेगा या नहीं, क्योंकि काफी खामोश करके रखा है गोपालगंज के गेंदबाजों ने उनको, अभी तक देखा जाए तो काफी शानदार
जबरदस्त टूर्नामेंट का आयोजन। और मैं आपसे एक चीज और बता रहा हूँ कि कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर जो 40 प्लस के सीनियर सिटीजन के प्लेयर हैं, जो 40 45 50 साल के उम्र दराज हो गए हैं, उनका भी यहाँ पर मुकाबला होने वाला है। इस बाबा फूलो खेला जरूर है, लॉन्ग ऑफ के सारी सॉरी लॉन्ग ऑफ के सारी खेला आसानी के साथ जब तक खिलाड़ी इसको फील करेगा थ्रो करेगा। दोनों खिलाड़ियों ने इसमें स्टोर कर छोर को बदला और एक रन में तब्दील किया। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 132 रन। पांच गेंदें अभी हो गई है और एक गेंद बाकी है। अंपायर अगर कुछ इशारा कर रहे हैं तो उनके पास जाएं। काफी शानदार मैच और काफी ज्यादा उम्मीद अतनार इलेवन शिवान को अंशु मिश्रा से, क्योंकि आने वाले चार ओवर इसके बाद जो है यानी कि 24 गेंदों में चाहिए कम से कम 60 रन और चाहिए अगर एक अच्छा स्कोर बनाना चाहिए, क्योंकि 175 रन यहाँ पर चेस के काबिल है। हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते, तो काफी ज्यादा जीत यहाँ पर करना होगा, यानी कि आज का मुकाबला भी जीतना होगा और आने वाले मुकाबले भी जीतने होंगे। स्कोर 132 है भाई। सरप्राइज बाहुबली आउट हो गए। चालू है क्षमा पर की तरफ पड़ता हुआ 12 ओवर। अगले गेंद से फ्लोप पर जाना चाहते थे अभी टीम ने, इसके अंदाज में थोड़ी सी अपील यहां पर कवर के जाने फील्डर का, और इसी बीच ओवर की समाप्ति 12 ओवर की समाप्ति के बाद 132 रन 24 गेंद और मात्र रह चुका है, और हमारे स्कोरर बताएंगे कि मात्र 6 विकेट गिर चुका है और 4 ओवर का खेल बाकी, यानी कि 4 खिलाड़ी और हैं। कितना जल्दी कितना तेज गोपाल बस के गेंदबाज इस 4 विकेट को हासिल करते हैं, और क्या सिवान के जो अंशु मिश्रा है क्या 4 ओवर तक वो बने रहेंगे? अगर वो 4 ओवर तक बने रहेंगे, बथुआ बाजार गोपालगंज में मैच हो रहा है भाई, 90 तक चली जाएगी अदनान एवल सिवान की टीम का स्कोर। कोच अध्यक्ष इरफान खान, संयोजक मोहम्मद जाहिद, बॉम्बे गार्मेंट्स के ऑनर व्यवस्थापक इसमें अली सचिव, तो इस तरीके से सजी हुई है एसीसी अलगतपुर क्रिकेट क्लब की एसोसिएशन का नाम, जो कि काफी बड़ा योगदान दे रहे हैं इस 2024 सीजन के इस 11 सीजन में काफी शानदार प्रदर्शन। अगले गेंद अंशु मिश्रा के लिए फील्ड में और इतना अच्छा प्रहार नहीं है, इसे पीछे खिलाड़ी जरूर है प्रयास के दौरान, तब तक प्रयास करते हैं उसके हाथों के ऊपर से निकल गई थी 1 मीटर ऊपर के साथ, सर्किल के बाहर हमारे एम्पायर का इशारा आना बाकी, अभी भी हमारे एम्पायर का इशारा नहीं आया है, शायद 6 रन और मानना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास जरूर किया था छोटे कद के खिलाड़ी ने, अगर वहां पर हल्के और बड़े कद के खिलाड़ी होते तो यह कैच में तब्दील हो जाता, थोड़ा ढीली गेंद जरूर थी और अच्छा प्रयास वहां पर अंशु मिश्रा का छक्के में तब्दील किया इसको। काफी ज्यादा बार कोई परेशानी नहीं आई हमारे एम्पायर फन्नू आलम को इसको वाइट करार देने में, इस वाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 139 रन, यानी कि 139/6 139 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन बल्लेबाज अंशु मिश्रा हमारे पैर खन्नू आलम से कुछ आपस में बातचीत करते हुए, थोड़ी सी होती है थोड़ा सा इंटरटेन फ्री है। 139 रन कुछ 140 रन, शायद हमारे स्कोरर पानी ड्रिंक्स टोली ले रहे थे इसलिए उन्होंने स्कोरिंग में इजाफा नहीं किया था, अभी उन्होंने कर दिया है 140 रन। घबराए नहीं, इंसान है भगवान है नहीं, गलती हो सकती है। गेंदबाज तैयार, हमसे दूर चलेंगे, पार्थ खन्नू आलम को पारू करेंगे अंशु मिश्रा के लिए, अगली गेंद फ्री हिट पर जरूर खाइए,
स्क्वायर लेकर दिशा में गई है गेंद और आसानी के साथ दोनों खिलाड़ी दौड़कर इस बीच एक रन पूरा किया। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 141 रन 141/6 13 ओवर 40। इसके बाद और 3 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा। 140 रन देखा जाए तो तकरीबन 10 का प्रति एवरेज, 130 रन कोई खराब स्कोर नहीं है। अभी आने वाले जो 3 ओवर है, 3 ओवर में अच्छा रन बना सकते हैं। अंशु मिश्रा गेंदबाज तैयार, हमसे दूर सीधा खेला, उसको कोई मौका नहीं, सेफ जोन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 145 6 विकेट के नुकसान पर। तीसरा लीग मैच सरफराज 11 बोला जाए इसको तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस मैच में सरफराज बाहुबली आ जाए उसको सरफराज 11 ना बोले तो अच्छी बात नहीं है। अदनान 11 शिवान जिसमें खेल रहे हैं अंशु मिश्रा, सरफराज और इस सिंगल के साथ एक रन और बना था 146। अगली गेंद बहुत शानदार, जरूर है उसको कवर और पॉइंट के बीचों बीच का खिलाड़ी इसको फील्ड करेगा, थ्रो करेगा इस बीच आसानी के साथ। दोनों ने दौड़कर एक रन पूरा जरूर किया, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 147 6 विकेट के महत्वपूर्ण नुकसान पे सिवान 11 का। काफी शानदार मुकाबला 2024 का सीजन 11 का बाबा होगा खिलाया जा रहा है। इस बीच का तीसरा क्वार्टर फाइनल जिसमें दोनों टीमें काफी मजबूत टीमें टॉस जीतकर गोपालगंज के कप्तान ने पहले गेंदबाजी सुना और गेंदबाजी कहीं तक थोड़ा सा साबित अच्छा हुआ, मगर बाद में फ्री रहती हुई गेंद नीचे रहती हुई गेंद और बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने। मैं बता रहा था जैसे एसीसी क्रिकेट क्लब के द्वारा इस सीजन का यह तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। अभी तक जो 2 मुकाबले हुए दोनों मुकाबले में दोनों टीम के कप्तान ने पहले टॉस को जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो फैसला नकारात्मक हुआ सकारात्मक नहीं हुआ, और जो बल्लेबाजी किया उसने मैच को जीता। इस तरीके से मैं बता दूं कि जिस तरीके से वॉलंटियर है एसोसिएशन के कार्यकर्ता है जिनके द्वारा काफी जिम्मेदारी निभाई गई है इस बाबा भूत। अगली गेंद अंशु मिश्रा के लिए कवर और लॉन्ग ऑफ के सारी दोनों खिलाड़ी की तरह 4 रन बहुत तेज शॉट था और उनके बीच में से निकाल दिया अंशु मिश्रा ने, काफी तेज करारा बैरंगन मैकुलम का शॉट था ये और आसानी के साथ चौका में तब्दील कर दिया और इस चौके के साथ तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 151 रन 6 विकेट के महत्वपूर्ण नुकसान पे। तो एसोसिएशन जो इसमें कार्यकर्ता है जिनकी तरफ से काफी बड़ा योगदान दिया जा रहा है, जो की सुबह सजावट करते हैं, शाम के टाइम सारा सामान उठाकर यहाँ से वहां रखते हैं, जिनका नाम है टॉप में अरशद, उसके बाद यूसुफ, अशरफ, इकबाल, अमन, शाहिद और आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर। ठीक है जब आर कोहली बुला लो नडुआ जान सर विकास भाई ओवर दम से करना है बॉलर है विकास, अगर हैट्रिक गेंद पर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो दबंग आसिफ की तरफ से 5 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बेहतरीन गेंद एक्स्ट्रा कवर के एरिया में खेला है गेंद को, एक रन से नहीं रोक सकेंगे गोपालगंज के खिलाड़ी और एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 152। और इस समय बहुत रन के अंशु मिश्रा के लिए गेंद को घुमा दिया है मिड विकेट के ऊपर, काफी देर 6 रन के लिए। हाँ भाई रुक रुक कर हल्का चल, नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, सबसे लो पर चलाया जा रहा है तब भी। अगर कोई भी बैट्समैन 6 गेंदों पर 6 छक्के मारते हैं ठीक है, कोई बात ना। यूसुफ की तरफ से यह प्राइज रखा गया है, कोई भी गेंदबाज अगर 4 गेंदों पे 4 विकेट लेते हैं तो उसे 10,000 रुपया दिया जाएगा। दौड़ा है वो बॉल करेंगे अंशु मिश्रा के लिए, अंशु मिश्रा ने इस गेंद को डिफेंस किए हैं, एक ही रन से संतुष्ट करेंगे, अभी भी इसको रुका हुआ है और इसी रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 159 6 विकेट के पश्चाताप पर। नहीं बिट्टू भाई नहीं है, गुड्डू के लिए जो बाएं हाथ के बल्लेबाज है
और इस गेंद को लंबा हुक करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं, निश्चित रूप से एक रन से संतुष्ट करेंगे और इसी के रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 160 और 6 विकेट के पश्चात पर 6 विकेट 160 रन तो काफी बेहतरीन। बथुआ बाजार गोपालगंज में मैच हो रहा है भाई। बॉलिंग करेंगे अंशु मिश्रा के लिए, अंशु मिश्रा ने गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेले है और खिलाड़ी ने उस गेंद को जब तक फील करेगा छोर बदले और 121 के साथ एक रन पूरा हुआ और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 161। चौदहवा ओवर के प्रगति पर और बॉल करेंगे इसमें विकास गुट्टू के लिए और गुट्टू ने इस गेंद को लंबा हुक करना चाहते थे, गेंद कहीं और, बैट कहीं और, बॉल कहीं और, ताबड़तोड़ बल्ला चला रहे हैं, निशाने कहीं और, निगाहें कहीं और। बारह गेंद शेष यानी 14 ओवर फेंकी जा चुकी है और 14 ओवर की गेंदबाजी में हमारे स्कोर बताएंगे अदनान अलमट सिवान की कितने रन बन चुके हैं 161 छह विकेट के पश्चात पर। नहीं बिट्टू यादव है ही नहीं यहाँ पे किसी भी टीम में, अगर चाहिए तो यूसुफ जनरल स्टोर बथुआ बाजार से आप संपर्क कर सकते हैं, गेंदबाज टीम अपना नाम बताएंगे। अब आए विशाल सामने होंगे मिश्रा, अंशु मिश्रा, 12 गेंद शेष, देखते हैं भारी गेंदों में कितने रन बिटोर सकती है यहाँ पे अदनान इलेवन शिवान की टीम। दौड़ लगाएंगे, बॉल करेंगे अंशु मिश्रा के लिए, अंशु मिश्रा ने इस गेंद को लंबा हुक करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं और हमारे एम्पायर का फैसले का इंतजार आना बाकी है। काफी बेहतरीन गेंदबाजी विशाल के द्वारा, टॉस जीता था गोपालगंज की टीम ने और गेंदबाजी का निर्णय लिया था, सामने होंगे अंशु मिश्रा, बॉल करेंगे विशाल, अंशु मिश्रा ने घुमा दिए है लॉन्ग बाउंड के ऊपर से, हमारे एम्पायर का फैसले का इंतजार आना बाकी है और 6 रन के साथ और छक्के के साथ हमारे स्कोर बताएंगे अदनान इलेवन शिवान का स्कोर कितना हुआ और अंशु मिश्रा कितना रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं 167 रन 6 विकेट गंवाई जा चुकी है शिवान की टीम को, यानी कि कल का जो मुकाबला हुआ था 185 रन बनाई गई थी 16 ओवर की गेंदबाजी में और इस समय बॉल करेंगे अंशु मिश्रा के और व्हाइट करार दिए हैं हमारे पर और इस प्रकार है अलगटपुर के जो वॉलेंटियर हैं अरशद, यूसुफ, अशरफ, इकबाल, अरमान, शाहिल, अमन, जमशेद, गुफरान, साजिद, राहुल, तो काफी बेहतरीन बॉलिंग करेंगे इस समय अंशु मिश्रा के लिए, अंशु मिश्रा ने इस बल्ले के ऊपर से उड़ा दिए एक एक को, एम्पायर का फैसले का इंतजार आना बाकी, क्या गजब की टाइमिंग, गेंद मिली, बल्ला चलाए, गेंद सीधे इस बल्ले के बाहर 6 रनों के लिए और छक्के के साथ छलांग मारती हुई स्कोर अदनान इलेवन टीम का 174 यानी जिस प्रकार से अनुमान लगाया गया था 180 प्लस बनेगी, जिस प्रकार से अंशु मिश्रा के बल्ला चला है 190 लग रहा है लगभग तय होगा क्योंकि लीग मुकाबला में 196 रन का टारगेट जो तो फेल इलेवन बनाई थी और इस समय अंशु मिश्रा के बल्ला से हमारे स्कोर बताएंगे अंशु मिश्रा कितना रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और कितना छक्के लगाए हैं, कितना करके आप फालतू करे और बताए, अंशु मिश्रा 5 छक्के लगाए हैं, 4 चौका 5 छक्के, क्या गजब की पहार, सामने होंगे विशाल, बॉल करेंगे अंशु मिश्रा के लिए, अंशु मिश्रा ने इस गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेला है, छोर बदलेंगे, दोनों बल दम से फेंका, अगर विशाल इस गेंद पर अगर क्लीन बोल करते हैं तो अबरार भाई की तरफ से 101 रुपया देखा जाएगा और बॉल करेंगे गुड्डू के लिए और दिशाएं गेंद व्हाइट करार दिए हैं यहाँ पे हमारे अंशु मिश्रा, बल्ला उठाए क्योंकि आपका हाफ सेंचुरी पूरा हुआ और आप 50 बना चुके हैं,
पांच छक्के और चार चौके लगाए हैं। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी। विशाल अगर आउट करते हैं तो 101 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अबराज अली की तरफ से बॉल करेंगे। गुड्डू 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 ने यहां पर बड़ा नाम बड़ा विकेट को गंवाए। काफी खराब बल्लेबाजी गुड्डू के द्वारा, काफी खराब बल्लेबाजी जिन्होंने हर गेंद को छक्का मारना चाहते हैं। गेंद बल्ले पर आ नहीं रही है, प्रत्येक गेंद को छक्का उड़ाना चाहते हैं। आपके सामने एक सेठ बल्लेबाज अंशु मिश्रा जैसे धाकड़ बल्लेबाज आपके सामने खड़े थे, लेकिन अन्यथा आप उस गेंद को अगर सिंगल डबल में कन्वर्ट करते तो आसान यहाँ पर मौजारा हो सकता था, लेकिन आपके गलती के कारण यहाँ पर विकेट गवाए। काफी मायूस होंगे जरूर जिनको रन आउट करा दिए हैं गुड्डू। यानी बड़ा बल्लेबाज की बड़ी पहचान होती है, बड़े स्तर बल्लेबाज की यही खासियत है। अगर आउट है तो कृपया एम्पायर का बिना डिसीजन बाहर चले गए, क्योंकि बड़े बल्लेबाज का यही नाम होता है। जिन्होंने बड़ा क्रिकेट प्रतियोगिता की, अगर बड़ा खिलाड़ी हो तो अगर वो आउट हो तो निश्चित रूप से वापस आते हैं। 29 में 59 नंबर आकर काफी जबरदस्त पारी, क्या गजब की बल्लेबाजी। बैट्समैन ने इम्तियाज, शायद नाम जान पहचाना लग रहा है क्योंकि पिछले साल की गेंदबाजी फॉल करेंगे। व्हाइट का आती है यहाँ पे और इस व्हाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ हमारे स्कोर बताए 176। यानी गुड्डू काफी खराब बल्लेबाजी। अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो सबसे खराब बल्लेबाजी गुड्डू के द्वारा, क्योंकि गुड्डू बालेपुर में होम ग्राउंड उसको मान होती है, जिन्होंने काफी घटिया बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में। और बॉल करेंगे इस समय विशाल उनके सामने गुड्डू के लिए, और गुड्डू ने गेंद को उड़ा दिए है इस बार लेके ऊपर और बड़ा खिलाड़ी मौजूद। यानी मैच में छोड़ो कैच हारो मैच, जीतो कैच पकड़ो मैच। तो इस प्रकार से यहाँ पर ओवर समाप्त हुआ और इस ओवर समाप्ति पर हमारे स्कोर बताएंगे 15 ओवर गेंदबाजी समाप्त हुई। स्कोर 177 रन, 6 विकेट गवाए जज और 100 अंशु मिश्रा के रूप में जो 7वां विकेट गिरा था। जिस तरीके से अंशु मिश्रा बल्लेबाजी कर रहे थे, एक तौर पे ऐसा लग रहा था कि उनकी जो टीम की स्कोर है उनकी नैया है जो काफी दूर तक जाएगी, मगर अपनों ने ही अपनों को लूट लिया है। यानी कि गुड्डू मिश्रा अगर चाहते तो वो खुद आउट होकर पवेलियन में जा सकते थे। एक शानदार बल्लेबाज भाई, बथुआ बाजार गोपालगंज में मैच हो रहा है जम चुकी थी, जिसको गेंद नहीं गेंद के आगे फुटबॉल नजर आ रहा था बाबा भूतनाथ कॉलेज पे जो बथुआ बाजार से 100 कदम बाएं बगल। अनहोनी को होनी में तब्दील कर दिया गुड्डू मिश्रा ने और अपने साथी खिलाड़ी जो कि डटे हुए थे, क्रीज पर थे। मैंने कहा ना कि अपनों से सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से पहले से हारा था और इसी तरीके से ये अपनों ने ही अपनों का दिल तोड़ दिया और अंशु मिश्रा जैसे बल्लेबाज को उन्होंने फ्री में आउट कर वापस पवेलियन में भेज दिया। न्यू बॉलर आए, बॉलर नेम पंपुस आमोद, इसीलिए बोलते हैं एक्स्ट्रा खिलाड़ी दीजिए। गेंदबाज तैयार उनके सामने जिनका अभी अभी कैच छूटा पिछले गेंद पर। गुड्डू क्या इस ओवर में कितना हद तक जा सकते हैं, आखिरी ओवर अगली गेंद इसको खेला जरूर है। एफएससी के काफी जाएगा और सीधे आप में 6 रन इसको खेला है पॉइंट और कवर के गेंद आने के ऊपर से सर्किल के ऊपर से भेज दिया 6 रनों के लिए। जो उम्मीद थी अंशु मिश्रा से, क्या वो कर पाएंगे इस ओवर में? क्या मैंने जो बोला था 190 रन उसका आंकड़ा कर पाएगी ये सिवान 11 अदनान की टीम? यकीनन तौर पे देखने को मिलेगा आपको। 183 रन हो चुके, मात्र 7 रन दूर उस आंकड़े से, उस विश्लेषण से पीछे है अभी 7 रन। गुड्डू तैयार, गेंदबाज हमसे पूछे गुड्डू के लिए अगली गेंद से उठाकर मारा स्टेप जोन में, कोई मौका नहीं खिलाड़ी का और हम सीधे अनाउंस कर सकते हैं 6 रन और इस छक्के के साथ 189 रन 189/7। यूसुफ सिंह डाला स्टोर, हाँ भाई आउट हो गए सरप्राइज बाहुबली, 29 रन बनाए थे लगभग 28-29 रन जिसमें 3 छक्का 2 चौका। बताएंगे दूसरे मैच में अगली गेंद से उठा के मारा जरूर है और इस बार वो बदला
बहुत लंबा सीधे रोड पे स्टेडियम पार मार दिए हैं, फील्ड के उस पार मार दिए रोड पे। मालूम है कि मैंने बहुत बड़ा विकेट अपने हाथों से गवाया था और उसका बदला लिया लगातार तीन गेंदों में तीन छक्के के साथ 18 रन। इसी बीच जो आंकड़ा लगाया था मैं 190 रनों का उसको पार करती हुई अरुणा ने 11 सिवान की टीम ने बनाए हैं 195 रन, यानी कि पिछली जो सिवान की टीम थी तूफान 11 सिवान जिन्होंने बनाए थे स्टार्टिंग मैच में 196 रन और उसको क्या क्यों पाएगी और उसके काफी करीब पहुंच गई अदनान 11 सिवान की टीम जिसमें सरफराज बाहुबली और अंकुश मिश्रा जैसे प्लेयर खेल रहे हैं। नहीं भाई जमशेद तो बैटिंग वाले टीम में नहीं है, फील्डिंग वाले टीम में तो पहचानते नहीं है जमशेद। ये भी खबर रखो अगली गेंद गुड्डू गेंद पटकी हुई गेंद काफी खराब गेंद मगर उस खराब गेंद को जाने पर दिया वापस के बाहर और वाइट करा दिया हमारे अंपायर नूरुल भाई ने। कहते हैं ना कि आसमान में उड़ने वाले जरा खबर भी रख जन्नत पहुंचने का रास्ता मिट्टी से गुजरता है। बाबा भूतनाथ स्टेडियम खिलखिलाती धूप और धूप के बीच छक्कों की छड़ी गुड्डू के बल्ले से निकलता हुआ गेंदबाज तैयार चहल कदमी करते हुए पिच के बीचों बीच गुड्डू अगली गेंद को ठोक रहा है। ऑफ में खेल दिए सीधे 6 रनों के लिए गुड्डू गेंदबाजों की आंखों में और सीधे कवर के बीच से ऊपर से दे मारा 6 रन और इस छक्के के साथ टीम का विशाल जैसा स्कोर 200 पार करता हुआ। इसी बीच 202 रन 7 विकेट के नुकसान पर अदनान 11 सिवान का बहुत बड़ा लक्ष्य और उस लक्ष्य के देखकर ही आधा टीम जो है धाराशायी हो सकती है। फिर से चहल कदमी करते हुए अभी डिविलियर्स के अंदाज में गेंद को आया सीधा और खुद गेंदबाज ने उसको काफी शानदार सराहना करना पड़ेगा अन्यथा थोड़ी सी उनके हाथ से नहीं लगी होती तो हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास सीधे 4 रनों में तब्दील हो गई होती। तो इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 202 रन आखिरी ओवर पड़ाव पर। इसके बाद होगा लंच का ब्रेक गेंदबाज तैयार आखिरी गेंद पटकी हुई गेंद और काफी ज्यादा हाइट और हमारे एम्पायर का इशारा वाइट और इस वाइट के साथ स्कोर तेजी से इजाफा होता हुआ 203/7 203 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर आखिरी गेंद। जो उम्मीद थी अंकुश मिश्रा से भले ही उसको आउट कराया गुड्डू ने मगर क्या शानदार बल्लेबाजी की अगली गेंद देखिए उसको उड़ाने मारना चाहते थे पूरी तरीके से चुके आसानी के साथ तोड़कर पड़ा पूरा किया और जब तक खिलाड़ी इसको फील करके थ्रो करेंगे दूसरा लेने के लिए दौड़ चुके हैं क्या उसको आउट कर सकते हैं 2 रन में तब्दील करेंगे या नहीं करेंगे और आसानी के साथ उसको खतरा हुआ और खतरा हो भी गया बहुत बड़ा खतरा और आसानी के साथ उसको आउट किया इस 1 रन में तब्दील और 1 रन के साथ तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 204 रन जीतने के लिए चाहिए 205 रन 204 रन भाई जीत के लिए 205 रन चाहिए 16 ओवर में गोपालगंज के टीम को 205 रन सबसे बड़ा स्कोर बना लिया अपने नाम कर लिया सिवान 11 सरफराज बाहुबली का टीम ने और आगे का आंखों देखा हाल आपको सुनाया जाएगा लंच ब्रेक के बाद। तब तक के लिए नमस्कार शुक्रिया सत श्री अकाल।